नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल आसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ। हम खड़े हैं CIA स्टाफ थाना शहरहस। आज पुलिस ने एक 2 साल पुराने हार्डकोर क्रिमिनल को, मुख्य आरोपी को, जिस पर 5,000 रुपये का यानी कि पुलिस ने इनाम रखा था, अरेस्ट किया है। मोनू यादव के जिसने 43 लाख रुपये की डकैती की थी, उसका खुलासा करने के लिए DSP साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। आइए दिखाते हैं DSP साहब ने उसके बाद। 18 में हमने एक कंप्लेंट के ऊपर केस रजिस्टर हुआ था छीना छपटी का, जिसमें गाड़ी से एक व्यापारी से 45 लाख रुपये छीन लिए। 45 लाख रुपये छीनने के बाद उसने जो केस रजिस्टर कराया तो हमने उसमें ये 4 अपराधी थे, 3 अपराधियों को हमने विद इन मंथ अरेस्ट कर लिया था और उनसे 32 लाख रुपये की जो राशि थी वो रिकवर कर ली थी। उनके नाम बता दो। जो राशि थी उनके जो नाम थे वो अनूप है, जिसको हमने 6/10/2018 को अरेस्ट किया था। बाकी एक कृष्ण है, ये गुजर वासी डाणी चंद्रपुर का है, और प्रेम उर्फ धोलू को हमने उस दौरान में अरेस्ट कर लिया था। और हमारा जो मैन जो मुलजिम था मोनू यादव, वो उद्घोषित अपराधी बन गया था, जिसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से रखा गया था। हमारी पुलिस काफ़ी दिनों से इसके पीछे लगी हुई थी, काफ़ी प्रयासों के बाद हमारी अपराध शाखा की टीम ने हमारे जो नए पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र जी IPS जब से आए हैं, इन्होंने एक हमारे वांछित अपराधियों की एक मुहिम स्टार्ट की। उस मुहिम के दौरान हमारी अपराध शाखा के प्रभारी श्री अमित निरीक्षक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास करके इसको मोनू को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इसके ऊपर पहले भी 3 मामले दर्ज हैं, 1 मामला जींद से है, 1 NIA का है जिसमें ये पहले गिरफ्तार हो चुका है। कैसे पकड़ा गया सर? 1 मामला में गिरफ्तार नहीं। सर ये मुख्य अपराधी कैसे कह रहे हैं बराबर में इन्होंने हिस्सा बांट लिया, तो क्या इसमें ये गैंग तैयार किया था? जो मेन रोल जो है इसी का मोनू का ही, इसका जो मेन सरगना यही था, इसके ही प्लान से ये सारा सिस्टम तैयार हुआ था। मास्टरमाइंड यही था। क्या तीनों की अब क्या पोजीशन है सर? ये 3 जो और पीछे पकड़े गए थे, ये अब बिहाइंड द बार हैं या छोड़ दिए गए हैं या बरी हैं या जमानत पे हैं? ये अभी है ड्यूरिंग ए ट्रायल, जैसे कुछ खामियां हुई हैं ये इस मुकदमे में बरी हो चुके हैं। खामियां किसकी तरफ से हुई है? अब कुछ खामियां यही है कि जो विटनेसेस थे, जो पर्सनल विटनेसेस थे, वो होल स्टाइल हो गए, क्योंकि उन्होंने एक आग में हमने तो हमारा पैसा रिकवर हो चुका है और अब हमने हम दुश्मनी नहीं ले सकते और कोर्ट के हम ज़्यादा चक्कर नहीं काट सकते। हो सकता है ये ऐसे शरारती तत्व हैं, शरारत कर दें, तो उन्होंने अपने उससे हमने काफ़ी प्रयास किए, बट ड्यूरिंग ए प्रोसिक्यूशन उन्होंने अपना इसके अंदर गवाही के अंदर असमर्थता जताई, जिससे आपस में कंट्राडिक्शन हुई। उस कंट्राडिक्शन के मुताबिक जो मेन कंप्लेनेंट थे जो या जो विटनेसेस थे वो बैठ गए, जिस वजह से मुकदमे किया। पैसा तो अभी और भी आना है, अभी पुलिस रिमांड लेंगे, इसकी रिकवरी करेंगे, जहाँ जितना भी होगा ड्यूरिंग ए डिस्क्लोजर
इसे रिकवरी की जाएगी, जो बाद में बता दें। जिसे दर्पण मिला है ये हमारे साइबर और अपराध शाखा की ज्वाइंट टीम ने, विशेषकर हमारे जो प्रभारी जो साइबर इंचार्ज हैं उनके प्रयासों से, हमारे विपिन कुमार साइबर इंचार्ज हैं और रविंदर वही हैं, दोनों ज्वाइंट टीम में, और हमारे जो अपराध शाखा के प्रभारी और उनकी टीम ने ये इनको ट्रेस आउट करने का प्रयास किया। ये साइबर के रडार पे थे। यस। अब तक कुछ कितने पैसे बरामद हो गए और कितने बाकी हैं डॉक्टर? अभी तक 32 लाख रुपए बरामद हुए हैं। जो इसके हिस्से की जो रिकवरी है वो बकाया है की जाए। तो वो इतने 12.5 में सेटिस्फाई हो गए कि भी हमारा रिकवरी हो गया। वो जो कोर्ट के, हम हमारी ऑनरेबल कोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, माननीय अदालत ने जो डिसाइड किया देखते हुए उसका फाइनल डिसीजन। क्या पुलिस डिपार्टमेंट फर्दर अपील करेगा? हाँ यस करेगा बिल्कुल। हम नेक्स्ट कोर्ट में अपर अदालत में माननीय अदालत में जाएंगे और हम पुरजोर से इसकी दोबारा से पैरवी करेंगे और सजा दिलवाने का काम करेंगे। मैंने ये बताया कि इस मोनू यादव जो एक पहले जेबीटी करके एक कोचिंग सेंटर चलाता था, उसके बाद उसका नुकसान लगा और फिर उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और अपना एक गैंग बनाया और गैंग के बाद 3 आरोपी पहले पकड़े गए हैं वो जो कि बरी भी हो चुके हैं और ये 4th आरोपी पर यानी कि IG विभाग ने 5,000 रुपये का इनाम रखा था और जो पुलिस की हिरासत में है उसे पेश किया जाएगा। ढाना से उसे राउंड अप किया गया है और देखते हैं कि पुलिस किस कदर आरोपियों पर शिकंजा कसती है। लेकिन आप हंसी की आवाज पे बने रहिएगा और बेल बटन दबाकर देखिए हर पल की खबर।